उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सवा साल की बच्ची चंपक की मां आखिरकार 14 दिन के बाद जेल से रिहा हो गई। 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें चंपक की मां एकता और पिता रवि शेखर भी शामिल थे। 14 दिनों के बाद मिली जमानत के बाद आज जब एकता अपनी बच्ची चंपक से मिली तो अश्क थम नहीं रहे थे। दरअसल 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की कड़ी में वाराणसी के बेनिया बांव के पास हुई लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी में एक्टिविस्ट दंपत्ति एकता शेखर और रवि शेखर भी शामिल थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस दौरान दंपत्ति की सवा साल की दुधमुही बच्ची चंपक 14 दिनों तक अपनी मां से दूर थी। कोर्ट की छुट्टी के बाद 1 जनवरी को हुई सुनवाई में शाम को वाराणसी के सेशन कोर्ट से 56 लोगों की जमानत मंजूर हो जाने के बाद आज 2 जनवरी की सुबह जिला जेल से सबसे पहले चंपक की मां एकता शिखर रिहा हुई, जबकि उनके साथ गिरफ्तार बाकी और उनके पति को रिहा होते होते शाम हो गई। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम एकता है। क्या हुआ जी, आज कहाँ से आपकी वापसी हुई है और क्या आपका आप पे क्या आरोप थे और कितने मुश्किल भरे दिन ये बीते हैं? मैं अभी बनारस के जिला कारागार से आ रही हूँ और 19 दिसंबर को हम लोग एक सभा कर रहे थे और रैली थी अशफाक उल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस को याद करते हुए हम लोग यात्रा कर रहे थे और संविधान की मूल भावना को बचाए रखने की उसमें चर्चा होनी थी और उस दौरान पुलिस ने उस रैली को बाधित किया, कहा कि आप लोग आगे नहीं जा सकते हैं, रैली को रोकनी होगी। और हम लोग वहाँ बैठ गए कि रैली नहीं रोकेंगे और फिर हम लोगों को पुलिस लाइन ले जाया गया। अमूमन यही होता है कि 144 तोड़ने पे आपको दिन भर के लिए डिटेन किया जाता है और शाम को छोड़ दिया जाता है और हम सब यही मान के चल रहे थे कि उस रैली को रोकने के लिए हम लोगों को पुलिस लाइन लाया गया है और शाम तक हम सभी लोग घर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों पे कई और धाराएं लगा करके हम लोग को पुलिस जिला कारागार भेज दिया गया। और जब ये हुआ कि जिला कारागार चले गए हम लोग, तो मैंने उसमें एक आपत्ति भी डालने की कोशिश की कि मेरी एक छोटी बेटी है, लेकिन पता चला कि हमारा चलान बनाए जाने के पहले ही लगातार पता चलता गया कि कई और धाराएं बढ़ रही हैं और इतना आसान नहीं है निकलना। तो एक एक दिन करते हुए रोज़ घर वाले और सभी साथी प्रयास कर रहे थे, वकील से मिल रहे थे, कोर्ट दौड़ भाग कर रहे थे, लेकिन करते करते आज पूरे 14 दिन हो गए और 14 दिन बाद मैं जेल से आई हूँ और बाकी साथी अभी भी जेल में हैं, संभवतः आज शाम तक वो रिहा हो जाएंगे। क्या ये इस बीच आप जेल में अपने पति से मुलाकात आपकी हो पाई या क्या वहाँ पर और दिक्कतें आई? जेल में भी मुलाकातें होती थी और मुलाकात के लिए जो सैटरडे का दिन था उसमें अनुमति लेनी होती थी कि आपके पति से मुलाकात करनी है। पहले सैटरडे को थोड़ी दिक्कत हुई, मुलाकात नहीं करनी थी गई, बहुत आग्रह किया गया मेरी तरफ से भी और मेरे पति की तरफ से, तब 2 मिनट की मुलाकात जेलर के सामने कराई गई। उसके बाद जो है बाकी जो उसके बाद सैटरडे आया उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग की मुलाकात हुई। इस बीच बच्ची से जो जुदा रहना वो कितना ज़्यादा कष्टदायक रहा? कभी लगा होगा कि काश इस आंदोलन में ना आए होते या प्रोटेस्ट ना किए होते, क्योंकि 14 दिन जितना बच्ची के लिए तकलीफ देता उतना कहीं ज़्यादा आपके लिए भी रहा होगा? जी, इस पूरे आंदोलन में मुझे जेल में रहना सिर्फ मेरी बच्ची के लिए ही मुझे गिल्ट फील होती थी कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप को कुछ दिनों के लिए रोक के रखना चाहिए था। सिर्फ मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा लगा, बाकी मुझे लगा कि नहीं, मैंने सही कदम उठाया है और देश के हर नागरिक जिसको अपनी संविधान पर भरोसा है उसको ये बातचीत करने के लिए, संविधान की मूल भावनाओं को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इतना सब कुछ हो गया, अब क्या आपका है, क्या आप पीछे हटेंगे कि आगे ये आंदोलन चलता रहे? आगे आंदोलन चल रहा है, हर जगह चल रहा है, लोग इसकी मांग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे देखिए किसी पार्टी विशेष से हमारा विरोध नहीं है, अगर ये किसी भी दूसरी पार्टी के द्वारा अगर ये CAA लाया जाता तो शायद हम लोग ऐसे ही बाहर निकलते, तो किसी पार्टी विशेष से हमारा विरोध नहीं है, संविधान की मूल भावना पे हमारा भरोसा है और मुझे लगता है कि जितने लोगों ने संघर्ष किया है इस आज़ादी को लाने के लिए और संविधान को बनाने के लिए उनके ऊपर हमारा भरोसा है और उनके भरोसों को जिंदा रखने के लिए हमें संविधान की मूल भावना से कहीं भी छेड़छाड़ होती है तो बातचीत करनी चाहिए। आगे आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल। शीला तिवारी।
शीला जी, आज कितना खुशी भरा दिन है, आपने स्वागत किया है रोली लगाकर, आरती उतार कर किसका स्वागत किया है, आज कितना खुशी भरा दिन? आज तो मैंने बहुत खुशी हुई है, चंपक की माँ मिल गई और ख़ास तौर से तो उसके लिए बहुत खुशी हो रही है, और जो जिस काम के लिए मेरी बहू गई थी वो सफल करके आई है, हमको बहुत खुशी हो रही है, यही सब है। अभी आपके बेटे किसकी किसकी जमानत हो गई है? सब करीब करीब सबकी जमानत हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि सानिया आलम भी आ जाए जल्दी से, क्योंकि वो भी हमारे घर की सदस्य है। आप गार्जियन के तौर पे कैसे देख रही हैं इस आंदोलन को? अफसोस हुआ कि अभी भी इनको आप अनुमति देती हैं एज ए गार्जियन की आंदोलन करें? हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं और अनुमति दे सकते हैं, देंगे फिर उसको, लेकिन हाँ ये बोलेंगे, जरूर बोलेंगे कि देखो अभी छोटी बच्ची है, बच्ची यदि 2 साल की हो जा रही है, थोड़ी समझदार हो जा रही है, तब तुम लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो शुरू से इसमें हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।